हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के लिए सबसे पहले हम हेडर फाइल यूज करेंगे, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है, जो स्ट्रिंग का पहला फंक्शन है बेटा वो है स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, जो हम कर चुके हैं बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, दिस फंक्शन काउंट एंड रिटर्न द नंबर ऑफ करेक्टर इन ए स्ट्रिंग, द नल करेक्टर इज नॉट काउंटेड। इसका जो सिंटैक्स है n इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ और आपकी स्ट्रिंग और सेमीकोलन। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका स्ट्रिंग अपर फंक्शन और स्ट्रिंग लोअर फंक्शन। सबसे पहले स्ट्रिंग अपर फंक्शन क्या होता है। स्ट्रिंग अपर फंक्शन में हम क्या करते हैं, दिस फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट ए स्ट्रिंग टू अपर केस। ये स्ट्रिंग को किस में बेटा अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। और स्ट्रिंग लोअर फंक्शन, फंक्शन क्या कन्वर्ट कर देता है, स्ट्रिंग को लोअर केस में। तो सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग करेंगे स्ट्रिंग अपर फंक्शन के। तो इसके लिए सबसे पहले हम सी को ओपन करेंगे। फाइल पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया। सबसे पहले आपकी आएगी बेटा हेडर फाइल, एस इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, एस इंक्लूड फोनियो डॉट एच, एस इंक्लूड string dot h। के बाद void make। opening braces char, उसके बाद str, उसका size हमने ले लिया before। Enter a string that's printf string in uppercase str, जो फंक्शन है यू पी आर अपर str। get ch clr fcr। फाइल पे क्लिक करना, सेव पे क्लिक करना, यू डबल टी ई आर अपर लोअर सी, ओके पे क्लिक करना, कंपाइल पे क्लिक करना, कोई एरर नहीं है बेटा, रन पे क्लिक करना, मैंने डाला डी डबल ई टी यू। स्ट्रिंग इन अपर केस, देखो आपका अपर केस में आ गया बेटा। ठीक है, ये आपका स्ट्रिंग का फंक्शन, स्ट्रिंग अपर केस फंक्शन।